बहुत अच्छे हैं। तो बहुत दिनों बाद हम एक क्राफ्ट वीडियो बना रहे हैं, एक फिजिट टॉय बना रहे हैं हम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई नो आप लोग स्टार का क्राफ्ट वीडियो भी मिस कर रहे होंगे। सो बहुत दिनों बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थे स्टार का, क्योंकि विंटर्स भी था, लेकिन आपको पता है स्टार का बर्थडे, क्रिसमस एंड उसके बाद न्यू ईयर था, उसके बाद स्टार के स्कूल शुरू हुए, फिर एग्जामिनेशन शुरू हो गया, अभी भी एग्जाम चल ही रहा है। लेकिन इन द मीन टाइम हम लोग ने सोचा एक छोटा सा क्राफ्ट वीडियो जल्दी जल्दी बना लेते हैं और आपके लिए डाल देते हैं। तो आजकल का नया ट्रेंड जो चल रहा है फिजिट टॉय, उसमें से एक फिजिट स्टार ने अभी अभी रिसेंटली लिया है, वो क्या है? पी पॉड्स। ये मेरे लिए बहुत ही न्यू है, स्टार जानती थी इसके बारे में। व्हाट इज दिस स्टार? पी पॉड्स आर फिजिट टॉयज। ओके, सो क्या होता है इसमें? ये पी की तरह दिखता है, आप इसे प्रेस करो तो उनमें से एक में एक फेस निकल आता है जो बहुत क्यूट है। तो इसको पॉड्स बोलते हैं। पी पॉड्स, यस। मतलब पी चेन है, किचन है, मतलब कहीं भी हैंग कर सकते हो। तो ये अभी क्वाइट फिजिट से, तो आप कहीं भी लेकर जा सकते हो पब्लिक प्लेसेस में। क्वाइट फिजिट है ये, आवाज नहीं करते ना और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करता है। तो ये रिसेंटली कहीं गए थे तो ये लिया है, तो इसको पी पॉड्स बोलते हैं। और ये ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर से जो इसके पॉड्स है वो बाहर निकलते हैं और उनके पॉड्स में फेसेस भी है, उनमें से एक में ही फेस है। ओके, सो आज हम यही DIY करके बनाने वाले, राइट स्टार? यस, यू आर गोइंग टू मेक अ DIY ऑफ पी पॉड्स। सो इफ यू लाइक दिस, डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो अबाउट व्हाट वीडियोस डू यू वांट एंड डू ट्राई दिस पी पॉड्स। यस, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, जल्दी जल्दी बनता है। ओके, आपके पास तो ये सारे सामान होएंगे जो हम यूज करने वाले। ओके, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमें एक पेपर चाहिए, एक पेपर, और उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। ग्रीन कलर का ही पेपर चाहिए? यस, क्योंकि पीस ग्रीन कलर के होते हैं, राइट? या, तो आप ग्रीन कलर का पेपर लीजिए, उसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए। कितने साइज का पेपर चाहिए? साइज वगैरह कुछ नहीं, बस आपको एक पेपर चाहिए, क्योंकि पेपर्स टाइनी होते हैं तो आप कोई भी साइज के बना सकते हैं। तो ये आप छोटा सा आप एक पेपर लीजिए, उसको दो साइड में फोल्ड कीजिए। यस, और अब फिर हमें ये पी ड्रॉ करना, अगर आपके पास ये है तो आप उनके ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे भी करके ड्रॉ कर लीजिए, पी बना लीजिए। यस, ओके। पर मैं तो इसको यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्रॉइंग में हूँ नहीं। तो स्टार इसको ऊपर रख के इसको स्केच आउट करके निकालने वाली, ट्रेस कर लूंगी, ट्रेस कर लेंगे। तो अब हमें लेने तीन पर्ल्स और उनमें से एक में हमें एक फेस ड्रॉ करना है। तो तीन आपको लेना है ग्रीन पर्ल्स। यस, ग्रीन कलर के पर्ल्स, क्योंकि आपके पी जो है वो ग्रीन है। तो आप ये देख सकते हैं जो हमने ओरिजिनल वाले लिए इसमें भी ग्रीन है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो में फेस नहीं बना है, लेकिन मिडिल वाले में फेस बना है। तो स्टार आप एक में फेस बनाएगी, राइट? यस, पर्ल में। यस, तो अगर पर्ल नहीं है तो क्या ले सकते हैं? हम पेपर ले सकते हैं, पेपर को ऐसे रोल कर सकते हैं। हाँ, तो वो हम यूज कर सकते हैं, ग्रीन कलर एक पेपर से रोल करके यूज कर सकते हैं। रोल करके कैसे? मतलब एक स्ट्रिप लीजिए, ग्रीन कलर का स्ट्रिप, उसको रोल कर दीजिए, ठीक है? हाँ, और फिर वो बन जाएगा पी जैसा, और उसमें फेस ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, वो पी जैसा हो जाएगा। तो पेपर को भी यूज कर सकते हैं, पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास तो पर्ल है इसलिए आप पर्ल यूज कर रहे हो, राइट? यस, ओके, फेस बनाओ। पर्ल्स तो पी जैसे ही लगते हैं। हाँ, राइट। और हम परमानेंट मार्कर यूज करेंगे ताकि उसका कलर रब ना हो जाए, राइट? ओके, वरना पेपर पर रब हो जाएगा वो। फेस रेडी।
तो यहाँ पे जो पी का शेप बनाया था ग्रीन कलर के पेपर में स्टार ने, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप स्टार लगा रही है और इसको दोनों तरफ से स्टार लगा रही है ताकि ये थोड़ा सा स्टर्डी रहे। ट्रांसपेरेंट टेप आप लोगों को पता है थोड़ा सा स्टर्डी रहने के लिए इसको लगाते हैं, और इसको अच्छे से प्रेस आउट कर रही है ताकि कोई भी एयर बबल्स ना रहे। अब जो ये जो इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टेप लगाने के बाद इसको बस कटआउट करना है और पी के शेप में अच्छे से इसको कटआउट करके निकालना है। तो ये देख सकते हैं ये अच्छे से इसको शेप में कटआउट कर लिया है। अब छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट टेप के छोटे छोटे कटआउट कट्स उसको निकालने हैं और इसको स्टिक करना है, मतलब ये दोनों जो शेप कटआउट किया है इसको एक दूसरे के साथ स्टिक करना है देख ताकि ये ओपन ना रहे। तो इसको छोटे छोटे टेप से स्टार इसको एक दूसरे के साथ कट कर रही है और जो भी एक्स्ट्रा टेप वगैरह यहाँ वहाँ से निकल रहा है उसको उसके एजेस को स्टार कट कर रही है। तो ये देख सकते हैं ये सभी को स्टार ने अच्छे से कट कर लिया है और स्टिक आउट भी कर लिया है और ये पी के शेप में फॉर्म हो चुका है। अब ये देख सकते हैं ऊपर से ये ओपन है। अब लेना है हमको जो ये मास्क होता है उसका जो स्ट्रिंग होता है उसको कट आउट करके निकालना है। तो एक मास्क का दोनों स्ट्रिंग निकालना है और उसके बाद इन स्ट्रिंग्स को हाफ ऑफ करके काटना है। तो हमको तीन स्ट्रिंग्स चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे स्टार ने एक स्ट्रिंग को भी हाफ कर लिया है और दूसरे वाले स्ट्रिंग को भी स्टार हाफ कर रही है। और फिर इसके जो स्ट्रिंग्स है इसके अंदर जो पर्ल्स बना के रखे हैं उसको डाल देंगे। तो स्ट्रिंग के साथ ये देख सकते हैं ये कैसे अटैच हो रहे हैं। तो ये वैसे ही तीनों पर्ल्स एक एक स्ट्रिंग में डाल देंगे और जो फेस बनाया हुआ पर्ल है उसको आपको बीच में डालना है, मतलब ये अलग जो जिसमें फेस नहीं बनाया है वो साइड में और जो फेस बनाया है वो बीच में। तो अब बस नीचे से छोटे छोटे ट्रायंगल शेप्स में आपको काटने हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है, छोटा छोटा सा ट्रायंगल्स आपको काट के, तीन ट्रायंगल्स आपको काट के निकालना है, कटआउट करके निकालना है। यहाँ पे जैसे स्टार करी, स्टार का ट्रायंगल्स हल्का सा थोड़ा बड़ा हो गया, आपको इससे भी छोटा काटना है। अब जो ये स्ट्रिंग्स बना के रखे इसको डालना है। तो सबसे पहले स्टार जो मिडिल वाला है फेस वाला उस के स्ट्रिंग्स को यहाँ से निकाल रही है, ये देख सकते हैं इसको ऐसे पुल आउट करना है और ये जब नीचे पहुँच जाएगा इसको प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आएगा। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग है इसको पीछे से करके इसको साइड में ट्रांसपेरेंट टेप से स्टिक आउट करना है और जो एक्स्ट्रा जो है उसको कटआउट करके निकाल देना है। तो ये देख सकते हैं इसको प्रेस करने से वो पी के जो पर्ल्स है वो बाहर निकल रहे हैं। तो वैसे ही आपको तीनों जो आपके पर्ल्स है उसके साथ ऐसे ही करना है, तीनों को ऐसे ही अंदर से जो ट्रायंगल कटआउट किया है वहाँ से निकालना है, पीछे की तरफ से इसको एक तरफ में ट्रांसपेरेंट टेप के साथ स्टिक करना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कटिंग एक्स्ट्रा जो स्ट्रिंग है उसको कटआउट करके निकालना है। तो इससे आपके जो पी पॉड है वो बन जाएंगे। और बाद में स्टार ने उसमें आगे थोड़ा सा अच्छा करने के लिए उसमें फेस भी बनाया था और उससे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया था ये पी पॉड। और ये बन गया है स्टार का होममेड DIY पेपर पी पॉड। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। दिस इज़ अ वेरी नाइस क्रिएटिव आइडिया टू कीप योरसेल्फ बिजी। और स्टार के पास एक ख़रीदा हुआ पी पॉड भी है और पेपर पी पॉड भी है जो उसने DIY करके बनाया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो।